हेलो एवरीवन। सो हम बना रहे थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन इस पूरे लेक्चर का जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो यही है 45 क्वेश्चन नंबर। इफ ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कॉमा देन फाइंड ए माइनस वन बाई ए कॉमा ए प्लस वन बाई ए कॉमा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस वन बाई स्क्वायर। मैं चाहता हूं आप सब अभी के अभी कॉपी निकाल के इसको ट्राई करो, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन में लगभग सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सबसे मतलब अच्छे तो सभी हैं, ऐसा नहीं कि कोई खराब है, लेकिन ये ठीक ठाक है। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन नंबर सबको ट्राई करो प्लीज, अपने से ट्राई करना। चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लो और उसको ट्राई करना। अब हम आते हैं जहां तक हमने कल छोड़ा था, इसको हम 8 क्वेश्चन नंबर तक बना चुके थे आप, और हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, सच कह रहा हूं। चलो फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, एक सरवाइस में वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि देखो तो हर वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है, एक्स का पावर फोर है होल नंबर है, वाई का पावर वन है होल नंबर है, एक्स का पावर थ्री है होल नंबर है, वाई का पावर टू है होल नंबर है टू और थ्री। अब चलो वे इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ना कि एडिशन सब्सट्रैक्शन या डिवीजन के फॉर्म में, इसको याद रखना। ओके, और क्यों करते हैं फैक्टराइजेशन, ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था कि एरर को जीरो करके हम उस पॉलिनोमियल को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x के पावर फोर, x में x के पावर थ्री है, तो क्या x के पावर थ्री कॉमन ले लें हम बाहर, और y यहाँ है और यहाँ y का स्क्वायर है, तो देखो जो भी लोवेस्ट एक्सपोनेंट होगा ना, लोवेस्ट पावर, उसको हम कॉमन लेते हैं। कॉमन जब भी लेते हो ना, तो जब लोवेस्ट जो एक्सपोनेंट हो, लोवेस्ट पावर हो, उसको बाहर निकालना। हम यहाँ एक्स के पावर फोर क्यों नहीं कॉमन लिए, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो ये तो वन, ये एक्स के पावर थ्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर, तो इसलिए एक्स के पावर थ्री बाहर निकाल लिया, और वाई है यहाँ, वाई का स्क्वायर है, ठीक है, तो वाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ एक्स बचा, क्योंकि देखो तो एक्स के वाई को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना एक्स के पावर फोर वाई बचेगा, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ दे दो, और अब यहाँ क्या बचा, टू वाई बचा, बचा टू वाई, देख रहे हो, यही बचा ना यहाँ से टू वाई, क्योंकि टू वाई इंटू एक्स क्यूब वाई कितना देगा, टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, देख रहे हो, तो यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ये दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें एक टर्म है, ठीक है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म है, लेकिन है तो पॉलिनोमियल, तो यही फैक्टराइजेशन हो गया। अब आगे बढ़ सकते हैं क्या, यहीं पर इसको रखना पड़ेगा, यहीं पर इसको छोड़ना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। सिंस ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था प्लीज उसको बनाना, ठीक है, देख रहे हो एक्सप्रेस किए प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, हालांकि एक ही टर्म है, यहाँ एक्स क्यूब वाई है इंटू एक्स माइनस टू वाई, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, कि अगर इससे एक्स क्यूब वाई से इसको तुम डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर जीरो आएगा, यानी कि एक्स के पावर फोर वाई माइनस टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को किसे डिवाइड करोगे, अगर एक्स क्यूब वाई से डिवाइड करोगे तो कितना, जो भी कुछ क्वोशेंट आएगा, कुछ तो आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, यानी एक्स क्यूब वाई इसको पूरी पूरी तरह से काट देगा। अरे फैक्टर ये होता है ना, जैसे 12 का फैक्टर कौन है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, सिक्स है, ट्वेल्व है, अब इसमें से कोई भी नंबर चुन लो, वो 12 को पूरी पूरी तरह से क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, काट देगा, डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर जीरो आएगा। उसी तरह से इसको 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 इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन रिमाइंडर जीरो होगा, क्वेश्चन कुछ आएगा और डिवाइड करने पर ही पता चलेगा, हालांकि क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है कि कितना आएगा। इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो, यही नहीं है, ये है, तो इसको देखो तो यहाँ पर ये लिखोगे कितना, एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई, ठीक है, ये कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या बचा हमारा, क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस टू वाई, और रिमाइंडर क्या आया, जीरो, क्वेश्चन क्या आ जाएगा,
इतना और रिमाइंडर जीरो। जब फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे ना 9 या 10 में, तो वहां इस चीज का जिक्र है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये निकला क्या, आखिर ये है क्या, हम इसे क्यों निकाले, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं इससे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स क्यू प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 फुल स्टॉप, इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। तो देखो, तो ये अगर x a है और 2 को b ले लिया, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है तुमको, क्योंकि x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन x प्लस 2, यही तो लिखा हुआ है, 2 का क्यूब 8 ही तो होता है। तो देखो, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू पर हम इसको कर दें, ठीक है, कर देते हैं। देखो तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है, एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू 2 है तो बी का स्क्वायर 4 होगा, अपॉन एक्स प्लस 2। ए क्यू प्लस बी क्यू यही ना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स प्लस 2 यहाँ एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में गलती है, पता है क्या है, यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखना चाहिए था कि एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 नहीं हो सकता। अगर एक्स माइनस 2 हो गया तो यहाँ पर माइनस 2 यहाँ पर क्या दे देगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसके लिए फिर लिमिट अधिक करना पड़ेगा। और सच कहो तो अगर x माइनस 2 को अप्रोच करेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर 3x स्क्वायर अपॉन 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 2, तो 3 गुने माइनस 2 का वैल्यू कितना, 4 तो चलती है 12, हाँ ठीक है। यहाँ पर लिमिट लगाना पड़ा, और लिमिट अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ माइनस 2 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में देना चाहिए था, क्योंकि अगर माइनस 2 हो गया तो माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, और ऊपर भी माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस 8 जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया। ये मत सोचना कि इसका आंसर जीरो आ गया, नहीं 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 नहीं, ठीक है। और सच कहो तो अगर ये जीरो माइनस 2 को अप्रोच करेगा ना x, इफ x अप्रोच टू माइनस 2 तो पता है इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि 12 कैसे आ रहा है, तो दरअसल ये लिमिट में पढ़ना है, मैंने ला हॉस्पिटल रूल इसमें लगाया है और सबको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज होता है, लिमिट हम लोग पढ़ेंगे और बहुत मजेदार है। देखो, हर छोटी छोटी चीज में ही बड़ी चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको शुरू कर रहा हूं। तो यहां से क्या आ गया बच्चे, इसको x प्लस 2 से इसको कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया, क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बचा। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 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 4 है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है। सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा फॉल्स हमारा आंसर हो गया, आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सिंप्लीफाई, देखो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, ओके। मैंने एक चीज बताया था कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉलिनोमियल्स में केवल लाइक टर्म्स का ही होता है, और लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, जिनका लिटरल कोएफिशिएंट क्या हो, सेम हो। देखो तो ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, सबका वेरिएबल सेम है, यानी सभी लाइक टर्म्स है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो माइनस 3ab, एक बार इसको माइनस 11b, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 20ab, ओके, प्लस 20ab और माइनस 14ab, ठीक है। अब जानते हो प्लस का जो साइन है उसको पहले लेंगे। तो देखो, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी तुम करना चाहो, 20ab रहने दो, और माइनस 3ab माइनस 11b माइनस 14ab कितना देगा, तो माइनस 3ab माइनस 11b कितना दे देगा, माइनस 14ab देगा, ये माइनस 14ab, और यहां भी माइनस 14ab है, तो माइनस 14ab माइनस 14ab माइनस 14ab माइनस 14ab कितना दे देगा, माइनस 28ab देगा, ठीक है। तो ये माइनस 28ab हो जाएगा, होगा कि नहीं, 20 प्लस 20ab को जस का तस रहने दिए, माइनस 3ab माइनस 11ab कितना हो जाएगा, माइनस 14ab, और यहाँ फिर माइनस 14ab, तो माइनस 28ab हो जाएगा। अब प्लस 20ab माइनस 28ab कितना देगा, अब सिंस 28ab बड़ा है, तो जो साइन बड़े का होता है, बड़े वैल्यू का, वही साइन अंत में लिखते हैं, भले प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 8ab होगा,
प्लस ए टी बी क्यों नहीं लिखे? सब्सट्रैक्शन तो होगा ही, ए टी बी तो आंसर आएगा, लेकिन माइनस ए टी बी क्यों? क्योंकि 28 बड़ा है, 28 का साइन क्या है? माइनस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस ए टी बी। और नहीं तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, ए बी कॉमन ले लो, सब कॉमन है तो ए बी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, सब में ए बी कॉमन है तो क्या बचेगा, दूसरा तरीका सेकेंड मेथड, मेथड सेकेंड, ए बी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा माइनस थ्री, ठीक है, माइनस इलेवन, माइनस इलेवन प्लस ट्वेंटी, प्लस ट्वेंटी और माइनस, माइनस क्या बचेगा, माइनस क्या बचेगा, माइनस फोर्टीन, ठीक है, ये बचेगा ना, ए भगवान इसको क्या हो गया, ठीक है, तो ए बी टाइम्स अब क्या बचा, माइनस इलेवन, माइनस थ्री, माइनस इलेवन, माइनस फोर्टीन, कितना जाएगा माइनस ट्वेंटी एट, तो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी एट आ गया माइनस एट ए बी, ठीक है। तो कॉमन लेके भी कर सकते हो, बाकी ऐसे भी रख के कर सकते हो, इसको ऐसे ही मैं रखने देना चाहता हूँ, जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हो। अब आते हैं 12 क्वेश्चन नंबर पर, क्या है एम प्लस एन, ये वेरिएबल है, एम और एन कोई वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई वन टू थ्री जैसा कॉन्स्टेंट है या कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है, एक वेरिएबल है। तो एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इंटू एम माइनस एन इंटू एम माइनस एन, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें बता सकते हो, एक तो मेथड वन, मतलब देखो कई सारे मेथड हो सकते हैं, एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन, तो एम के पावर वन है, यहाँ पर यहाँ एम के पावर वन है, यहाँ एम के पावर वन है, तो बेस तो सेम है, तो ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इजिकल टू ए के पावर एम प्लस एन, पढ़ा है, पढ़ा है ये चीज, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, और हाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये एम प्लस एन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये लिखना चाहिए था क्वेश्चन में यार, एम प्लस एन एंड एम माइनस एन शुड नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एम प्लस एन और एम माइनस एन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन, तो एम प्लस एन कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री बार, तो एम प्लस एन के पावर थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर एम माइनस एन, एम माइनस एन, एम माइनस एन थ्री बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन टू द पावर थ्री हो जाएगा, ओके। अब देखो एक चीज देखो, तो अब सिंस दोनों दोनों टर्म का पावर थ्री है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन का पावर थ्री होल पावर थ्री, कोई दिक्कत है क्या, ये पढ़े हो प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी ये चीज पढ़े होगे कि अगर ए क्यूब इंटू बी क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ए बी का पूरा का क्यूब भी लिख सकते हो, लिख सकते हो इसको, ये चीज देख रहे हो, ये चीज इसको इसी लिखा। अब देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कुछ नहीं बल्कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल क्यूब ही लिखा हुआ है, ओके। अब ये क्या हो गया, अब देखो तो ये ए, अगर एम स्क्वायर को ए मान लिए, एम स्क्वायर को ए मान लिए और एन स्क्वायर को बी मान लिए, तो ये और कुछ नहीं बल्कि ए माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू क्या लिखोगे, इंटू ए प्लस बी, यही लिखोगे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है, ए माइनस बी टू द होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी पर इसको रख देते हैं, क्या दिक्कत है, तो कितना हो जाएगा ए क्यूब, तो देखो तो ये खुद में ए है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, एम का स्क्वायर के पावर का क्यूब है, तो पता है ना ए के पावर एम के पावर एन है, तो ए के पावर एम एन हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, एम के पावर टू इंटू थ्री, तो एम के पावर सिक्स माइनस एन के पावर सिक्स माइनस थ्री एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब चाहो तो इसको पूरा अति भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा, एम के पावर सिक्स माइनस एन के पावर सिक्स माइनस थ्री एम के पावर फोर, देखो तो थ्री एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू कितना है, एम स्क्वायर है, तो एम के पावर फोर हो जाएगा, क्योंकि एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एम के पावर फोर, क्योंकि टू इंटू टू हो जाएगा ना, बेस सेम है ना, एम एम बेस सेम है, इंटू एन स्क्वायर, और सिंस माइनस के बाद यहाँ ब्रैकेट हट रहा है, तो साइन चेंज होगा,
देख रहे हो ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा। और थ्री एम स्क्वायर एन स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन स्क्वायर से, तो थ्री एम स्क्वायर तो जस का तस रहेगा, क्योंकि अब एन स्क्वायर, क्योंकि ये सेम टर्म को ही ना अथी करोगे, पावर को सेम बेस रहेगा तभी ना मल्टीप्लाई करोगे, उसके प्रॉपर्टीज करोगे, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इजिकल टू ए के पावर एम प्लस एन, तो या एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना, एन के पावर फोर, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये तो मेथड वन है, लेकिन मेथड टू बताओ कैसे करोगे, बहुत आसान है, इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी। देखो तो मेथड टू कैसे बताऊं, देखो एम प्लस एन और यहाँ एम माइनस एन है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन है कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री बार। ठीक है, तो इसका पावर वन, इसका तो इसको कितना लिख सकते हो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का पावर थ्री लिख सकते हो। ठीक है, वही आ गया, देखो तो ये वही आ गया, ये चीज आ गया, वही आ गया, फिर इसको यही ए माइनस बी का होल क्यूब आ गया, क्यूब आ गया, तो इसको किस पर तोड़ोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ोगे, तो यही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, बराबर एम के पावर सिक्स माइनस एन के पावर सिक्स लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या एम के पावर सिक्स माइनस एन के पावर सिक्स के बराबर है, नहीं ना, इसका वैल्यू तो एम टू द पावर सिक्स माइनस एन टू द पावर सिक्स माइनस थ्री एम टू द पावर फोर एन स्क्वायर प्लस थ्री एम स्क्वायर एन टू द पावर फोर के बराबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो फॉल्स है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये तो हम निकालने के लिए निकाल दिए, लेकिन मुझे तो यहीं से दिख रहा था कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के फॉर्म का पावर क्यूब है। अब कई लोग जल्दीबाजी में इसको करके निकल जाएंगे। ठीक है, देखो इसका आंसर ये तब आता ना जब तुम क्या लिखते, एम क्यूब प्लस एन क्यूब इंटू एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ये होता तब ना। देखो तो एम क्यूब प्लस एन क्यूब इंटू एम क्यूब माइनस एन क्यूब, तो ये क्या हो जाता, क्या हो जाता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एम क्यूब का स्क्वायर, एम क्यूब का स्क्वायर कितना होगा, एम क्यूब का स्क्वायर एम के पावर सिक्स और माइनस एन एन का पावर सिक्स। ये तब ना होता, ये तब आता एम के पावर सिक्स माइनस एन के पावर सिक्स, जब एम क्यूब प्लस एन क्यूब इंटू एम क्यूब माइनस एन क्यूब होता। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है, ये होता तब ये आंसर आता। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये आंसर क्यों नहीं आया, ये समझ में आया ये बात, आई होप ये समझ में आया होगा। और हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, डिवाइड इतना, ये पॉलिनोमियल है पक्का, और इससे डिवाइड करना, ये मोनोमियल है, मैं बताया था ना कि पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं कि उस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को उस मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। देखो इसको कैसे, फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस इलेवन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, डिवाइड का मतलब यही नहीं होता, ये डिवाइड का साइन है, ये क्या होता है, ये डिवाइड का साइन है। अब इसके हर टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो इसको क्या लिखोगे, फोर एक्स क्यूब अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ओके, यही होगा ना। देखो तो टू टू जा फोर हो जाता है, और यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स से काटोगे तो एक्स बचेगा, बचेगा ना, अरे ये पढ़े नहीं हो, एम के पावर एम अपॉन ए के पावर एन इजिकल टू ए टू द पावर एम माइनस एन, बेस सेम हो, हाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इस पर ध्यान दिया करो, और टू से टू कैंसिल और एक से यहाँ एक्स बच गया, तो क्या बचा यहाँ पर, ऊपर से टू एक्स बचा, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस इलेवन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, यही बचा ना, यही हमारा आंसर है, डिवाइड होके यही आया। ठीक है, मैंने इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को इस मोनोमियल के से डिवाइड कर दी, इसे टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर देख रहे हो, नीचे टू एक्स और टू एक्स टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दी, ये हमारा आंसर हो गया। हालांकि इसमें एक अगर जीरो हुआ तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं 14 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये 14 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने एक चीज बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, एक आइडेंटिटी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बताया था, बताया था ना आइडेंटिटी, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखो तो यहाँ a प्लस बी माइनस सी है, लेकिन यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस थ्री ए बी सी है, फिर तो नहीं बनेगा बॉस, ऐसा क्या ये नहीं बनेगा, पक्का नहीं बनेगा। अरे कुछ नहीं करना है इसमें, देखो तो अगर मैं इसी को a प्लस बी प्लस माइनस सी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, सी की जगह माइनस सी लिख दूं लेकिन प्लस साइन अभी भी रहेगा, कोई दिक्कत है। देखो ये इसी के बराबर तो नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से इसको लिखा, ये एक आइडेंटिटी है, अब इसको यहीं पर रहने देते हैं, ये हमारा बेस है। अगर मैं a प्लस बी प्लस माइनस सी लिख दूं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी माइनस सी के बराबर। अब आगे बढ़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब माइनस सी का स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही देगा ना, तो सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, लेकिन अब ध्यान दो माइनस माइनस बी सी लिखना है, लेकिन अब तो हमने बी इंटू माइनस सी लिखना होगा, है ना, बी इंटू माइनस सी, तो माइनस बी सी, समझ में आ रही बात। मैंने सी को क्या लिखा, माइनस सी लिख दिया, प्लस को प्लस ही रहने दिया, मेरा मन, मैं चाहूं तो बी को भी माइनस लिख के छोड़ दूं और प्लस लिख के लिख दूं, या ए को माइनस माइनस ए लिख दूं, ये तो आइडेंटिटी है, जरूरी नहीं कि यही हम अपना वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं ना, किसी का भी साइन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सी की जगह माइनस लिख दिया, तो हर जगह सी की जगह माइनस ही लिखाएंगे, तो यहाँ सी की जगह माइनस ही लिखोगे तो माइनस बी, तो यहाँ प्लस बी सी आ जाएगा, क्योंकि ये देखो तो बी सी को b इंटू माइनस सी कितना देगा, माइनस बी सी, लेकिन पहले से माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी सी, और वही हाल यहाँ पर भी होगा, माइनस सी इंटू ए माइनस सी है, लेकिन पहले से माइनस सी लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो ये प्लस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान देना, अब माइनस सी क्यूब, हर जगह माइनस सी करना है ना, सी की जगह माइनस सी रखना है, क्योंकि तभी नहीं आएगा हमारा, देख रहे हो, हमारा तभी नहीं आएगा, तो माइनस सी का क्यूब कितना होता है, माइनस सी क्यूब, बोला था ना क्यूब, जब क्यूब रूट पढ़ा रहा था तो बोला था ना कि हर नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही होता है, ठीक है, माइनस सी क्यूब। और देखो थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस सी, तो माइनस थ्री ए बी सी, लेकिन पहले से माइनस लगा हुआ है, तो प्लस थ्री ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख दो, और ये a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि प्लस माइनस सी है, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी। आई एम श्योर आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। देख रहे हो, यही चीज ना है, यही चीज ना यहाँ पर लिखी हुई है, देख रहे हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी अपन ए प्लस बी प्लस माइनस सी, किस किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए, यहाँ पर माइनस बी सी माइनस ए। कई लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बता सकते हो, इसका आंसर क्या लिखेंगे, कई लोग लिख निकल जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए लिख निकल जाएंगे, यही ये आंसर लिख निकल जाएंगे, ये गलत है, यहाँ यहाँ प्लस सी नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी नहीं है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री ए बी सी होता, अगर क्वेश्चन ये होता कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री ए बी सी अपन ए प्लस बी प्लस सी, तब तो आंसर यही होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लेकिन क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस थ्री ए बी सी अपन ए प्लस बी माइनस सी है, तो आंसर ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ देख रहे हो साइन चेंज है, प्लस बी सी प्लस सी ए है, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी ए है, ये चीज, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक है थोड़ा सा, कई लोग निकल निकल जाएंगे, ये चीज, ये आंसर नहीं होगा, इसको भूल के भी इसको मत ही करना, ठीक है, आंसर ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इसको जिसने भी बनाया बहुत अच्छा, आप ऐसे ही ट्राई करते रहो, बहुत अच्छा।
अब आते हैं 15 क्वेश्चन नंबर पे। ये कुछ नहीं, शुरू से सिंपलीफाई करना था ना, 11 से लेके इसको भी सिंपलीफाई करना है, तो क्या करूं इसमें मैं सिंपलीफाई करने के लिए। देखो मेरे बुक में लगता है इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 2 के जगह जेड होगा, ठीक है, क्योंकि जो आंसर दे रहा है यहाँ जेड रखोगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड ए एक्स वाई। तो देखो तो सब में क्या कॉमन है, ए एक्स वाई कम से कम कॉमन है, तो ए एक्स वाई कॉमन ले लो ना बाहर, यहाँ से क्या बचा, अब केवल एक्स बचा, क्योंकि ए एक्स वाई इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर वाई ही तो देगा, और प्लस फिर देखो यहाँ पर क्या बचा, वाई बचा, क्योंकि अब ए एक्स वाई इंटू वाई ही तो ए एक्स वाई स्क्वायर देगा, फिर प्लस ये प्लस, फिर अब यहाँ पर क्या बचा, ए बचा, क्योंकि एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर ही तो ए स्क्वायर एक्स वाई देगा, प्लस अब यहाँ से केवल जेड बचा, मेरे बुक में तो 2 दे रहा है, यहाँ 2xy लिखा हुआ है लेकिन ये जेड होगा, तो प्लस जेड होगा तभी आंसर आएगा, आंसर यही देता है, ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्यों फैक्टराइजेशन, क्योंकि मैंने इस एक प्रोनोमियल को दो या दो से ज्यादा प्रोनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, ओके। और फैक्टराइजेशन का हम डिफिनेशन भी हमने लिखा था, फैक्टराइजेशन का डिफिनेशन देखो, फैक्टराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग चीज वही है, ये दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों सेम चीज है। मैं इज इक्वल टू का साइन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, बस लिखने का तरीका अलग हुआ है, ये नहीं कि ये कोई दूसरा आंसर आ गया, ये कुछ नया चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स इन सम ऑफ द केसेस कॉमा वी यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन फैक्टराइजेशन, सम केसेस में अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं ताकि जल्दी फैक्टराइजेशन हो जाए, ओके। तो हमारा ये आंसर हो गया, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड आंसर हो गया, ओके। अब आते हैं सिंपलीफाई, और भी है तो देखो, तो ये पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने बताया था ना कि एक पॉलिनोमियल के उसके हर प्रोडक्ट को उससे हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो माइनस एक्स को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस साइन, माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यानी इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो और जो भी आया उसको ऐड करो, ठीक है, और माइनस माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, ठीक है। अब कहोगे कि आपने तो ऐड किया ही नहीं, माइनस माइनस लिख दिया, तो बच्चे इसलिए क्योंकि अगर यहां पर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब होगा लेकिन फिर प्लस लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब और प्लस, लेकिन फिर तो माइनस लिखना ही पड़ेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि टू एक्स स्क्वायर का साइन माइनस में है, माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे, माइनस एक्स लिखोगे, लिखोगे ना, तो बात तो वही आ गई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही है यहां पर, देखो तो इसको ये से लिख सकते हो, मैं तीसरा टर्म नहीं लिख रहा हूँ, माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस टू एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, देखो तो वही लिखा गया, और थ्री के मामले में भी यही है कि प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, तो यह माइनस एक्स टू द पावर फोर, क्योंकि एक्स के पावर वन इंटू एक्स के पावर थ्री, तो एक्स के पावर वन प्लस थ्री हो जाएगा, आता है ना प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट में पढ़ाया था ना, एक्स के पावर फोर, और ये माइनस ये हो जाएगा माइनस, और माइनस एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स क्यूब, और ये माइनस माइनस रहने तो यही, और थ्री इंटू माइनस एक्स, माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हमारा आंसर आ गया, माइनस एक्स टू द पावर फाइव माइनस फोर, माइनस एक्स टू द पावर फोर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू एक्स क्यूब, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस थ्री एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, बस साइन का थोड़ा ध्यान दो, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लगाते रहो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैंने एचसीएफ में क्या कहा था कि कॉमन फैक्टर जो होता है, और कॉमन फैक्टर में भी जो लिस्ट एक्सपोनेंट पावर होता है उसको लेते हैं। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल स्क्वायर को ये तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हो। तो इसको देखो तो ये लिख सकते हो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। मैंने बोला था ना कि जब भी एलसीएम एसीएफ निकालना हो तो उस पॉलिनोमियल को, जिन पॉलिनोमियल का एलसीएम एसीएफ निकालना हो उसको इरिड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, तो यही होगा इसका। अब कौन सा है, एगो एक्स प्लस वन है, तो इसको तो और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक और कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखो तो इन तीनों में क्या कॉमन है, x प्लस वन कॉमन है, x प्लस वन, x प्लस वन, x प्लस वन, और कुछ कॉमन है क्या तीनों में, इन तीनों में देख रहे हो। तो हमारा देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ इज इक्वल टू x प्लस वन। एलसीएम के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, एलसीएम में कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढना होता, एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर टेकन वंस विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। अब 18 क्वेश्चन नंबर, इसको भी फैक्टराइज करना है, ax माइनस bx प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। लग रहा है कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो तो ax माइनस bx में x कॉमन है, तो x को बाहर ले लो, x को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर a बचा और माइनस का माइनस साइन आया, और यहाँ b बचा। ये क्यों लिखा मैंने, क्या ये दूसरा चीज है, ये एक ही चीज है, क्यों? देखो तो फिर से इसको x इंटू ए करो तो ax दे देगा, और माइनस b इंटू एक्स कर तो बीस दे देगा। देखो तो यही चीज है, ये लिखा हुआ, यही चीज है, ये लिखा हुआ है कि नहीं, प्लस। अब दोनों में, ये दोनों में a कॉमन है, तो यहाँ से a कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचा, a बचा, क्योंकि a इंटू यही तो a स्क्वायर होता है, और माइनस साइन तो माइनस, और a इंटू बी, यहाँ b लिख कॉमन होगा क्योंकि a टू b। देखो तो इन दोनों में a माइनस b कॉमन है, x इंटू a माइनस b प्लस a इंटू a माइनस b, तो यहाँ पर a माइनस b कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, यहाँ से x बचा और प्लस प्लस साइन, और यहां से क्या बचा, ए बचा, बचा कि नहीं, तो हमारा, हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, इस एक पॉलीनोमियल को दो या दो से ज्यादा पॉलीनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम क्यों फैक्टराइजेशन करते हैं, सबका पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यह चीज हो गया 18 क्वेश्चन नंबर, और ये तुम्हारा होमवर्क रहा 19 नंबर, एनसीएफ निकालना है, किसका, एनसीएफ ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका एनसीएफ तुम्हें निकालना है। इसको प्लीज घर से जरूर बनाना, क्योंकि एनसीएफ पर मैंने अभी तुरंत सवाल बनाया है, और इससे पहले भी एनसीएफ पर कई सारे सवाल बनाए जा चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज इसका जरूर अति करना, और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या आंसर है इसका, 19 का आंसर क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस एक्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस एक्स, यही इसका आंसर होगा। ये 19 का आंसर है क्या, ये क्या है, एक मिनट, मुझे गलती हो रही है क्या मुझसे, सॉरी, 19 का आंसर केवल a है, 19 का आंसर क्या है, x है, केवल x है, ओके, 19 का आंसर क्या है, केवल x है। अगर तुमको निकालना है, चलो निकाल ही देता हूँ सॉल्यूशन, चलो फिर से x एचसीएफ का बना ही देता हूँ, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लो, तो y प्लस x बचा, फिर एक्स वाई माइनस क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये दूसरा टर्म है, इसमें भी x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, y माइनस एक्स, ये कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स बचा, फिर यहाँ x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, बचा बचा कि नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, इंटू ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हो। अब ये तीनों में, इसमें 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 क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, केवल एक्स है, एक्स है, यहाँ तो वाई प्लस एक्स है, यहाँ वाई माइनस एक्स है, कॉमन तो नहीं है, और देखो तो एक्स यहाँ एक्स भी है, तो एक्स एक्स सब में कॉमन है। अब एक्स स्क्वायर मत ले लेना इसकी, इसका एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, और वो उसको उस फैक्टर को कॉमन लेते हैं जिसमें जो कॉमन फैक्टर होता है उसका लिस्ट एक्सपोनेंशियल पावर को लेते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स 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 है, यहाँ भले एक्स और एक्स है, लेकिन एक्स कॉमन है तीनों में, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, बराबर एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स हमारा आंसर हो जाएगा।
तीनों का, किसका किसका है, सिर्फ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एनसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर का वन, बाकी सारे जो इसमें बना लेना। तो ये ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर है, जहां ए का वैल्यू क्या है एक से ले लो, बी का क्या है 11 है, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखो तो इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। बड़ा था ना, याद कर लो कम से कम 20 तक या 40 तक या 50 तक, जितना तक याद करना हो स्क्वायरिंग, मैंने पढ़ाया था स्क्वायर स्क्वायर रूट में। और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये मत बोलना कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो सर नहीं बताया, सर ने तो बताया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे भैया तो बात तो सेम ही है ना, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों क्या है अलग है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं चाहूं तो कैसे भी लिखूं, मैं चाहूं तो शुरू में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, मेरा मन, ये सब एक ही चीज तो है कि नहीं, साइन तो वही है ना, मैंने क्या साइन बदला क्या, यहाँ प्लस 2ab है यहाँ भी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है यहाँ भी प्लस बी स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पर भी प्लस ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, ए एक्स है और b 11 है, तो इसको क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो तो ये 22x हो गया, 22x प्लस 121, मैंने साइन चेंज तो नहीं किया, प्लस 21 यहां पर भी है, प्लस 21 यहां पर भी है, प्लस 22x यहां पर भी है, प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, तो आंसर क्या हो गया इसका, ये हो गया। क्या आगे और बढ़ सकते हैं क्या इसके नीचे, नहीं बढ़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट ही हो गया और इसका लिटरल कोएफिशिएंट कितना है एक्स है, इसका लिटरल कोएफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर है, तो क्या कोई भी लाइक टर्म बचा, कोई लाइक टर्म नहीं बचा, तो कुछ जोड़ा जा सकता है क्या इसमें, नहीं जोड़ा जा सकता है, तो अब हम यहीं तक इसको रहने देंगे, अभी नहीं ऐड हो सकता है आगे, क्योंकि लिटरल कोएफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है, ये पॉलीनोमियल है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एक ऐसा एक्सप्रेशन है, क्या पॉलीनोमियल है, हाँ, क्यों, क्योंकि एक जो भी वेरिएबल का पावर है वो एक होल नंबर है, टू एक होल नंबर है, वन एक होल नंबर है, यहाँ भी एक्स के पावर वन छुपा हुआ है, मतलब छुपा क्या हुआ, यहाँ एक्स के पावर वन है यहाँ एक्स के पावर टू है, तो इसलिए आंसर हो गया हमारा। तो आगे हम और बनाएंगे, और प्लीज सब बना के रखो, हर एक क्वेश्चन में आना पड़ रहा है ना, ये सारे क्वेश्चंस और भी हैं, फिर बना के रखोगे तो और मजा आएगा ना, एलसीएम एलसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब एडिशन पॉलीनोमियल्स का जो फ्रैक्शन होता है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो एलसीएम का बहुत काम देगा, है ना, और आगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इनको भी बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पूरा बेसिक समझ लो इसका, ठीक है, क्योंकि आगे इन सबसे बहुत डील करना है वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। बाकी 45 क्वेश्चन नंबर अगर बन गया तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो, इसको मैं अगले लेक्चर में बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।